प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हिंदी में अपना दूसरा पाठ है जाति माँ। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। ये दादी माँ ये एक कहानी है और कहानी भी इस प्रकार की कि जो दादी माँ है इसके परिवार में जो इसके बच्चे हैं, इसके पोते, इसका भरा पूरा जो परिवार है उसके बारे में इस पाठ में इस कहानी में बताया गया है कि कमजोरी ही सही पर सच तो ये है जरा सी कठिनाई पड़ते ही, यानी दादी माँ जो एक वृद्ध महिला है उसका शरीर तो कमजोर है, जरा सी कठिनाई पड़ती है तो कोई न कोई बीमारी उसे घेर लेती है। और बीमारी भी कैसी है कि जो मौसमी बीमारियां हैं उनके अनुसार दादी माँ का जो स्वास्थ्य है वो लगभग सा ही खराब रहता है। और इन बीमारियों के कारण ही जो दादाजी थे वो दादी माँ से पहले चल बसे। वैसे वो कहा करते थे कि तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुझे अपने साथ ही ले जाऊंगा या मेरे से पहले तू चली जाएगी। परंतु आज दादी को इस बात का अफसोस है कि वो मुझसे पहले चले। इस कहानी में बताया गया है कि गर्मी बरसात इनमें मनुष्य का जो मन है वो सदा एक सा नहीं रहता। देखिए जिस प्रकार से प्रकृति अपना मौसम बदलती रहती है उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने स्वभाव को बदलता रहता है। यहां गर्मियों में जो आने वाली छुट्टियां हैं उन छुट्टियों के बारे में बताया गया है कि जब छुट्टियां होती हैं जो दादी माँ का जो परिवार है, जो पोते पोतियां हैं, जो बेटे हैं वो घर से बाहर रहते हैं, जैसे ही गर्मी की छुट्टियां होती हैं वो सारे घर में आते हैं, पूरा घर परिवार भरा भरा सा नजर आता है। यहां में दादी कहती है कि मुझे लगता है जैसे कुवार के दिन आ गए हैं। कुवार, देखिए ये हिंदी महीने के नाम है। कुवार का अर्थ है आसीवन। कुवार का अर्थ है आसीवन। जिसे आसोज भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आसोज। ये जिस प्रकार से तीन हमारी ऋतु में हैं सर्दी गर्मी बरसात, उसी प्रकार से ये चार चार महीनों के तीन ऋतुएं बताई गई हैं। तो क्वार का जो महीना होता है जो भाद्रपद के बाद में आता है तो लगभग इस महीने में मौसमी बीमारियां होती हैं। जो बरसात होती है वो अपने आखिरी चरण में होती है, वो लौटने वाली होती है क्योंकि इसके बाद सर्द ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो इस क्वार महीने में जो मौसमी बीमारियां आती हैं उन बीमारियों का अक्सर इस कहानी में जिक्र किया गया है।
यहां बरसाती घास, क्योंकि बरसात होती है, इससे पहले बरसात का सीजन रहता है, तो बरसात होती है, तो बरसात में भिन्न भिन्न प्रकार की घास फूस यानी हरियाली इस पृथ्वी पर छाई रहती है। रास्तों में कीचड़ रहता है, गांव के लड़के जो किनारों पर, जो सड़क के किनारे जो गड्ढे बने होते हैं, उन गड्ढों में जो बरसात का पानी इकट्ठा रहता है, जिनमें ऊपर झाग तैरते रहते हैं, उन गड्ढों में छोटे छोटे बच्चे नहाते हैं, और उस बरसात के पानी से जो बच्चे नहाते हैं तो उनके शरीर पर फोड़े फुंसी हो जाते हैं, यानी उनका शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। आषाढ़ के महीने में कहते हैं किसी को आम और जामुन न मिले तो चिंता नहीं है, अगन में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो कोई चिंता की बात नहीं है, चैत के दिनों में लाई के साथ लड्डू की पट्टी न मिले तो कोई चैत्र जिसमें गुड़ गच्चक आदि का खाने का समय होता है। कुवार का जो महीना है इसमें हल्की बीमारी, जो मौसमी बीमारी है, वो अक्सर होती है, और वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे ज्वर, ज्वर का अर्थ है बुखार, ज्वर का अर्थ है बुखार, उसके अलावा जो बीमारी होती है सरदर्द, यहां से एकदम अलग से सरदर्द, सरदर्द इसके अलावा मलेरिया, सरसा, डायरिया, जिसे दस्त है, ये मौसमी बीमारी है। क्या है ये? मौसमी बीमारियां, जो ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के बदलाव के अनुसार फैलती है। इस कहानी में भी ऐसा ही बताया गया है कि जो दादी माँ के छोटे नाती पोते हैं, वो इन बरसात के दिनों में इन पानी, बरसात के पानी का जो एकत्रित गड्ढे उसमें होता है, उनमें नहा लेते हैं, उनमें नहाने के बाद में उन्हें थोड़े फुंसी, ज्वार, बुखार, मलेरिया, निमोनिया उन्हें हो जाता है। तो एक दिन लेखक कह रहा है कि मैं दिन में चादर लपेटे सोया हुआ था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में, उसी झाग वाले जल में कि जहां पर ये बरसात के पानी से नहा के आए थे, वही पतले दुबले स्नेह स्ने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर टपके हुए जल की शीतलता, आते ही उसने सर पर, पेट पर मुझे छुआ, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली।
और दादी माँ ने जो अपने पल्ले पल्लू में जो मिट्टी बांध रखी थी वो मिट्टी ला करके मेरे मुंह में डाल दी, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और बीसों बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। और बीसों बार मेरे शरीर को छू छू करके ज्वर यानी मेरा तापमान नापती रहती कि कितना बुखार है। हांडी में पानी नहीं आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई कि नहीं, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, ये लाखों प्रश्न वो घर वालों से करती रहे। दादी माँ को गवई गांव की 500 किस्म की दवाओं के नाम याद थी, गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर के मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, लवंग लौंग और गुड़ मिश्रित, लौंग और गुड़ को मिलाकर के एक काढ़ा रूप में वो रोगी को देती। गूगल और धूप की धुनी लगाती। सफाई कोई उनसे सीख ले। और रोगी का जो कमरा था उसकी चारपाई के आसपास वो सफाई रखती। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलास नहीं बदले जाते। गिलास का अर्थ है रजाई। गिलास का अर्थ है रजाई। याद रखें कि समय पर चादर या समय पर उसकी रजाई नहीं बदले जाते तो वो बहुत ध्यान रखती। बुखार तो मुझे भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैं महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुन, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और पुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग जाता है। अब यहां पे बता रहा है लेकर कि बुखार तो मुझे भी आता है और उस बुखार के लिए डॉक्टर साहब आते हैं, नबज नाड़ी देखते हैं, नौकर आता है पानी दे के चला जाता है, मैस महाराज यानी जो रसोईया है, मैस महाराज रसोईया। मैस महाराज का अर्थ है रसोईया, वो आता है वो देख के चला जाता है। खिचड़ी या साबूदाना की खिचड़ी बना के दे जाता है। डॉक्टर साहब कुनेन की गोली ले देते हैं या कुनेन का काढ़ा चला देते हैं तो कह रहा है उसके डर से बुखार भाग जाता है। और फिर कह रहता है कि ऐसे बुखार बुलाने का जी नहीं चाहता कि जिससे शरीर को इतनी परेशानी हो। तो ये दादी माँ कैसे अपने छोटे बच्चों की देखभाल करती है, उनका कितना ख्याल रखती है, ये इस कहानी में बताया गया है। आगे इसी कहानी में दादी माँ का व्यवहार, कि उसका व्यवहार कैसा है, वो कल अगले वीडियो में बताएंगे। और ये यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, उनको लिख लेना। धन्यवाद।